हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक टेक। इस वीडियो में जानेंगे तीन ऐसे ऑथेंटिक एप्लीकेशन के बारे में जो आपके सिविल का स्कोर यहाँ पर दिखाती है। वैसे तो क्रेडिट स्कोर दिखाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। मैं क्रेडिट स्कोर की बात कर रहा हूँ, जिसे क्रेडिट स्कोर में टोटल चार क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं जो आरबीआई की तरफ से रिकमेंडेड है। पहला यहाँ पर इक्विफैक्स है, दूसरा एक्सपीरियंस, क्रिफ यहाँ पर सीआईएफ हाईमार्क जिसे कहते हैं, चौथा यहाँ पर सिविल होता है। तो जनरली बैंक जो रिकमेंड करती है वो सिविल स्कोर के करती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिविल स्कोर की बात करेंगे जो आपको यहाँ पर ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोसेस से यहाँ पर सिविल स्कोर दिखाती है, जो कि अप टू डेटेड होता है। बहुत सारे सिविल के वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ओल्ड स्कोर दिखाया जाता है। तो मैं ऐसे तीन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो ऑथेंटिक भी है और उन्हीं से आपको चेक करना चाहिए। बाकी एप्लीकेशन या फिर बाकी क्रेडिट ब्यूरो से आपको स्कोर क्यों नहीं चेक करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा क्या चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो पहला यहाँ पर जान लेते हैं वन बाई वन करके तीन एप्लीकेशन के बारे में कैसे आपको चेक करना है। तो आपको सिविल का स्कोर देखना है तो आपके पास गूगल पे एप्लीकेशन होगा, उसमें आपको सिविल स्कोर अब दिखाने लगा है। तो सिंपली आप गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे, नीचे ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर चेक फ्री सिविल करके आपको आएगा। कुछ यहाँ पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, जैसे मोबाइल नंबर, पैन डिटेल, वो यहाँ पर फिलअप करेंगे तो इजिली यहाँ पर आपको स्कोर यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। आपका पहले से कोई लोन्स वगैरह चल रहा तो इजिली यहाँ पर सिविल स्कोर ही आपको दिखेगा, वो भी अप टू डेटेड। यहाँ पर डेट भी लिखा होगा कि आपका कब का दिखाया जा रहा है, वो आप जरूर चेक कर लेंगे। उसके बाद कहाँ कहाँ आपने इंक्वायरीज वगैरह की वो भी यहाँ पर शो करेगा। दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर वन स्कोर एप्लीकेशन, इसमें दो तरह का स्कोर दिखाया जाता है, सिविल का भी एक्सपीरियंस का भी। तो दोनों ही चीज़ें एक एप्लीकेशन से आप इजिली देख लेंगे। यहाँ भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर वन स्कोर एप्लीकेशन में कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, मोबाइल नंबर और जो पैन डिटेल्स। उसके बाद आपको एड्रेस डालना होगा जो आपका आधार वगैरह में रजिस्टर्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्कोर दिखाया जाएगा। इसमें स्कोर में यह है कि आप इजिली सारे स्कोर एक्सपीरियंस का भी देख सकते हैं और सिविल का भी देख सकते हैं। दोनों में स्कोर अलग अलग दिखेगा क्योंकि सभी का स्कोरिंग करने का पैटर्न यहाँ पे अलग अलग होता है। तीसरा यहाँ पर है अमेजोन पे। अमेजोन पे एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ही होगा। अमेजोन ऐप आप ओपन करेंगे, अमेजोन पे पे जाएंगे और यहाँ पर क्विक एक्शन के ऑप्शन पे ही आपको नीचे में यहाँ पर फ्री सिविल स्कोर की यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर पैन डिटेल डालेंगे तो यहाँ पर स्कोर आपको इजिली जनरेट होके आ जाएगा। तो अपडेटेड स्कोर होता है, उसमें भी आप डेट देख सकते हैं कब का है, तो यहाँ पर अपडेटेड स्कोर आपको दिखाया जाता है। और डिटेल में आपको इंक्वायरी चेक करनी तो आप क्लिक करेंगे तो आपको सिविल की ऑफिशियल जो वेबसाइट्स है उस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पर डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कब कब आपने इंक्वायरी की, कितने लोन्स आपने लिए, तो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिखेगी। तो ये आपको यहाँ पर कंप्लीट सिविल का स्कोर दिखाया जाता है और इन एप्लीकेशन को यूज़ करने में बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, कोई भी डाटा आपका शेयर नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन पर आप जाके अपना सिविल तो चेक कर लेंगे या फिर क्रेडिट स्कोर अपना चेक कर लेंगे, वहाँ क्या होता है कि आपका डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दिया जाता है। आपने बहुत बार देखा हो, आपने सिविल इंक्वायरी वगैरह कहीं की या फिर डेटा आपने सिविल स्कोर चेक करने के लिए डाला तो बहुत सारे बैंक से कॉल मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। अभी के टाइम में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑफर्स करती हैं फ्री क्रेडिट स्कोर चेक करने का, लेकिन वहाँ से जैसे ही चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं लोन से रिलेटेड रिगार्डिंग, तो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो इन वेबसाइट से आप चेक करेंगे, जैसे गूगल पे की बात करें तो वो तो अपने पास ही डाटा रखता है, कहीं थर्ड पार्टी के पास शेयर आपका डाटा नहीं होगा। सिंपली ये होगा कि आपको एड्स वगैरह या फिर लोन्स के ऑफर उनके ऐप पे दिखने लगे, तो उससे कोई इशू ज़्यादा नहीं होता। ऐप पे दिखते हैं तो आपको मर्जी, आपको लोन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि कॉल्स और मैसेजेस जो आते हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वही बात यहाँ पर और भी एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया अमेजोन पे, वो भी आपको ऑफर्स यहाँ पर जो देगा ऐप के ऊपर ही दिखेगा, आपको कॉल्स करके या मैसेज करके यहाँ पर ऑफर्स नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपको जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती है उसी को यूज़ करना चाहिए क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए, क्योंकि आप कंप्लीट डाटा फाइनेंशियली आप शेयर करते हैं वहाँ पे और बैंक से यहाँ पर लोन्स के लिए, ऑफर्स के लिए आपको कॉल और मैसेजेस करने लगती है। इसलिए आपको सोच समझ के अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहिए या सिविल स्कोर आपको चेक करना चाहिए। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। आप लोगों का कितना सिविल स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।